वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु चार महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी पढ़ते हैं और जिसके बाद यहां द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के शीलग्राम रूप में साथ माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इस दिन से एक बार फिर भगवान विष्णु पूरी दृष्टि का कार्यभार संभालेंगे और शादी विवाह जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं और इस एकादशी को विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है।